अगर मसूद अजहर को, अगर मेरे देश का कोई फौजी भाई अगर पकड़ करके या उसका जिंदा या मुर्दा शीश अगर सामने लेकर के आता है, मैं सुकराईनाथ योगी उसे 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम, उसके गले के अंदर पुष्पांजलि अर्पित करके उसका सम्मान करूँगा। पुलवामा आतंकी हमलों की चहुंओर निंदा की जा रही है, वहीं अब साधु संत भी आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। नारनौद के कोथकला स्थित दादा कालापीर मठ के महंत सुकराई नाथ योगी ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत देश का कोई भी नागरिक या सैनिक आतंकवादी मसूद अजहर का सिर कलम कर लाएगा तो उसे नाथ संप्रदाय की ओर से 1 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, वहीं सभी तरह का सम्मान भी उस व्यक्ति को दिया जाएगा। अगर मसूद अजहर को, अगर मेरे देश का कोई फौजी भाई अगर पकड़ करके या उसका जिंदा या मुर्दा शीश अगर सामने लेकर के आता है, मैं सुकराईनाथ योगी उसे 1 करोड़ रुपए का नगद इनाम, उसके गले के अंदर पुष्पांजलि अर्पित करके उसका सम्मान करूंगा। और यह पैसा प्रत्येक साधु समाज के एक एक संत से देश की सेवा के अंदर अर्पित मुझे लगता है किया जाएगा, जिससे मैं एकत्रित करूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि देश के दुश्मनों और गद्दारों के लिए सरकार ने जो हथियार रखे हैं उनकी 26 जनवरी को नुमाइश करने के बजाय सरहद पर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को खत्म करना कोई पाप नहीं है। मुझे लगता है इस प्रकार की घटना को देखते हुए विध्वंस के लिए और इस प्रकार की घटना का तुरंत मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और अगर सरकार 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन दिल्ली के अंदर जबरदस्त एक से एक तेजस जैसे विमानों का या ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टरों का या अन्य जो राक्षस जैसे दिखने वाले और तुरंत पाकिस्तान जैसे देश को धराशायी कर देने वाली औकात रखने वाले शस्त्रों का जो प्रदर्शन एक झांकियों के रूप में किया जाता है, वो प्रदर्शन के लिए ही मात्र नहीं है। सरकार से मैं कहूंगा वो हथियार क्या प्रदर्शन मात्र के लिए हैं? अगर नहीं तो अब उनका प्रयोग होना चाहिए, उनको जंग नहीं लगना चाहिए। अगर वो हथियार आज हमारे पास हैं और बावजूद उसके हमारे सामने ये खून खराबा हो रहा है, हमारी माताएं बिलख रही हैं, बहनें बिलख रही हैं, क्योंकि उनके अपने खो रहे हैं, पता तो उस परिवार को चलता है जिस परिवार से कोई जा रहा है, तो उन शस्त्रों का फिर फायदा क्या है? वहीं योगी सुकराई नाथ ये भी बोले कि अगर सरकार उन्हें RDX बांधकर पाकिस्तान को बर्बाद करने की अनुमति देती है तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि राष्ट्र साधना में बाधक बनने वाले किसी भी गद्दार को जिंदा रहने का हक नहीं है। भारत सरकार से मैं तो मांग करता हूँ कि इतनी ही RDX के साथ मुझे बांध करके अगर पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप फेंक देंगे ना, मैं खुश हूँ, मेरा जीवन चला जाए लेकिन पाकिस्तान मिट जाए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा भारत जरूर रहे। वहीं साधु संतों ने एक बड़ा बयान ये भी दिया। उन्होंने कहा कि आज इस मुश्किल के समय में हमारी सेना को पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मठ और मंदिरों में जो पैसा जमा है उसे सेना को दे दिया जाए। तो हम सब की ये बड़ी जिम्मेवारी बनती है, साधु संन्यासियों की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, तो मैं तो अपनी जिम्मेवारी का वहन कर रहा हूँ। और भी देश के समस्त साधु संतों को इस मुहिम में आगे आना चाहिए और देश के कोने कोने में मुझे लगता है जितने भी साधु संत हैं सबको आज देखना चाहिए कि राष्ट्र को हम सब की आवश्यकता है। और जो राष्ट्र का दुश्मन है वो मुझे लगता है भारतीय संस्कृति के अध्ययन में हमें पढ़ने को मिला है कि वो हम सब का ही दुश्मन है, और दुश्मनों का दमन करना हमें भारतीय संस्कृति सबसे सर्वप्रथम सिखाती है। सत्य खबर के लिए नारनौद से दीपक गिरधर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।